सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों आज मैं आपको 25,000 रुपये के अंदर दो ऐसे फ़ोन का कंपेयर करके बताऊंगा जिनको आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कंपेयर करके देख लेते हैं एम आई पोको F1 के साथ ओप्पो F9 प्रो का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर बात करते हैं डिस्प्ले की तो दोस्तों एम आई पोको F1 में आपको मिल जाती है 6.18 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले नॉच के साथ, और इसका रेशियो है दोस्तों 18:7:9 का। वहीं पे ओप्पो F9 प्रो में आपको मिलती है 6.3 इंच की डिस्प्ले फुल HD प्लस के साथ, और कंपनी ने इसका नाम दिया दोस्तों वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, और इसका रेशियो है 19:5:9 का। कैमरा डिपार्टमेंट को देखें तो एम आई पोको F1 में आपको मिल जाता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सेटअप। 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है 1.9 अपर्चर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा मिलता है दोस्तों आपको 2.0 अपर्चर के साथ, और सेल्फी के लिए फ्रंट में दिया गया 20 मेगापिक्सल का कैमरा 2.0 अपर्चर के साथ। ओप्पो F9 प्रो में दिया गया दोस्तों 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, और फ्रंट में दिया गया 25 मेगापिक्सल का कैमरा 2.0 अपर्चर के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो एम आई पोको F1 में दिया गया है 845 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और ओप्पो F9 प्रो में दिया गया है मीडिया टेक का हेलियो P60 प्रोसेसर, और यह 2.0 GHz पर काम करता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो एम आई पोको F1 में दी गई है 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज, जिसका मेमोरी कार्ड की सहायता से 256 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जबकि ओप्पो F9 प्रो में आपको मिलती है 6 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज, और इनको आप मेमोरी कार्ड की सहायता से 256 GB तक बढ़ा भी सकते हैं। पावर की बात करें तो एम आई पोको F1 में आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट के साथ। ओप्पो F9 प्रो में दी गई दोस्तों 3500 mAh की बैटरी फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो दोनों फ़ोन में आपको डुअल सिम 4G वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से भी दोनों फ़ोन में आपको 8.1 ओरियो का सपोर्ट मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो एम आई पोको F1 में आपको IR फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिल जाता है। ओप्पो F9 प्रो में भी आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात आती है प्राइजिंग की तो दोस्तों दोनों फ़ोन मिलते हैं 24,000 रुपये की प्राइस रेंज में, और दोनों फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। कलर वेरिएंट की बात करें तो एम आई पोको F1 मिलता है ब्लैक, ब्लू और रेड कलर में, और ओप्पो F9 प्रो मिलेगा दोस्तों आपको ट्यूबलाइट ब्लू और सनराइज रेड कलर में। 29 अगस्त से एम आई पोको F1 मिलना चालू होगा, और ओप्पो F9 प्रो दोस्तों 1 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर मिलना चालू होगा। अब बात आती है दोनों फ़ोन में से बेहतर कौन है। तो अगर आप बात करते हैं प्रोसेसर, स्टोरेज, बैटरी और सिक्योरिटी के हिसाब से तो यहाँ पर एम आई पोको F1 ज़्यादा आगे निकल जाता है, जबकि ओप्पो F9 प्रो का डिस्प्ले अच्छा है और कैमरा भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसका प्रोसेसर बेकार दे दिया गया है। अगर आप गेमिंग का शौकीन है तो आप एम आई पोको F1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी जो कि फ़ोन को गर्म होने से बचाती है, जबकि ओप्पो F9 प्रो में प्रोसेसर मीडियाटेक का दिया गया जो कि गर्म तो होता ही है ज़्यादातर मामले में। दोनों फ़ोन की प्राइस 24,000 रुपये है। अब आप पर निर्भर है आप कौन सा फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।